बीजेपी नेता अब आजम खान से मुलाकात करने के लिए जेल जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जिस आजम खान ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को उल्टे पैर दौड़ा दिया हो, क्या वो अब बीजेपी नेता से मुलाकात करेंगे? आखिर कौन है वो बीजेपी के नेता और क्यों करने जा रहे हैं मुलाकात, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। जो आजम खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पर देखे जाते हैं, अब उन्होंने सपा के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात तक करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आज नाइन न्यूज से खास बातचीत में बताया कि जेल प्रशासन ने उनकी मुलाकात नहीं होने दी। समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो मेरे साथ कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और हम लोग आपातकाल में आज से 47 साल पहले 20 महीने एक साथ जेल में रहे, वो मिलने से मना क्यों कर देंगे? प्रशासन ने कहा है कि उनका तबीयत बहुत ख़राब है, वो बहुत उनको बुखार है, उनको लूज मोशन हो रहे हैं, वो दवा खा के सो रहे हैं। हमने बहुत कहा कि ठीक है वो सो रहे हैं, हमको जहां वो सो रहे दिखा दीजिए, तो जगह दिखाने को तैयार नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि आजम खान से मुलाकात के लिए पहली बार कोई नेता गया हो। हाल ही में प्रसपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने जेल में जाकर आजम खान से करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी, लेकिन अब बीजेपी के नेता भी आजम खान से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण ने ये दावा किया है कि वो भी आजम खान से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजम खान बड़े नेता हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए वो खुद भी जाएंगे, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव भी अब आजम खान को लेकर नरमी बरतते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था, मेरी मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था, वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। सर, आजम को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर भी चल रहा है और तमाम माध्यमों से चल रहा है कि वो नाराज है पार्टी से। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला, देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सके। अब अखिलेश यादव नरमी बरत रहे हैं, लेकिन पहले शिवपाल यादव से मुलाकात करने वाले आजम खान क्या बदल गए हैं और आखिर क्या सच में बीमार होने की वजह से आजम खान ने मुलाकात करने से इनकार किया है? और तो और, बीजेपी सांसद से क्या आजम खान मुलाकात करेंगे या इनकार कर देंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।